जयपुर में भी अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है। जयपुर में सबसे पहले मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया। अब वीएचपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीला चावल देकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। नए साल पर श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करने के लिए सभी लोग जाएं और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में गणेश मंदिर में अक्षत प्रदान किया, यानी सबसे पहला निमंत्रण जयपुर के आराध्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में। और उसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद सभी घरों पर जाएगा, पीले चावल और एक निमंत्रण पत्र देगा और श्री राम मंदिर के इस वैभव को देखने के लिए सबको आमंत्रित करेगा। विश्व हिंदू परिषद की टीम आप देखिए, हाथ में निमंत्रण पत्र है और इस तरीके का एक प्रोफार्मा और एक कागज जिसमें श्री राम मंदिर का एक स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस राम मंदिर को देखने के लिए लोग जाएं, सुने समझे। ये मंदिर से पीला जो अक्षत है आप देखिए, ये घर पर घर घर जाएगा और सबको बड़ा यही अक्षत अमितोष क्या हर घरों में वितरित किया जाएगा और निमंत्रण किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश भर में इसका वितरण करा जाएगा, हर घर घर तक विश्व हिंदू परिषद पहुंचेगा और न्योता दिया जाएगा। आज राम मंदिर के न्योते के लिए पहला न्योता गणेश जी को दिया है विश्व हिंदू परिषद की पूरी टोली ने, पहला न्योता दे दिया गया है। और आप देखिए ये निमंत्रण पत्र है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण जिसमें मंदिर की परंपरागत नगर शैली में निर्मित और जितनी भी पूरी जो वैभव है इस मंदिर का पूरा सब कुछ नोट किया गया है और इसी निमंत्रण पत्र को घर घर तक के पहुंचाया जाएगा और ये निमंत्रण दिया जाएगा कि इस मंदिर के वैभव को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, सुने समझे कि अयोध्या का श्री राम मंदिर किस तरीके से बना है। और विश्व हिंदू परिषद का ये प्रकल्प है कि घर घर तक के जाकर अक्षत लेकर एक पीले चावल देकर आप लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके नाते से पीले चावल के लिए श्री गणेश जी के यहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं। यह एक पत्रक है जिसके अंदर राम मंदिर का पूरा विवरण लिखा हुआ है। दूसरी तरफ इसी में 22 तारीख को जो हमको करणीय काम है, क्योंकि सभी जन वहां पर जा नहीं सकते, वहां की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वहां कैपेसिटी के लिए केवल संतों को बुलाया है। उसके अलावा आम जन को अपने अपने घर पर बैठकर और मंदिर को आधार बनाकर, कि हमारे पास का जो मंदिर है उसको आधार बनाकर, उसको केंद्र बनाकर आसपास के सभी जन, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको अपने घर पर टीवी में लाइव टेलीकास्ट नहीं देखना, उसके लिए अपने पास का जो मंदिर है उस मंदिर में सभी इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम, सुंदरकांड, हनुमान शक्ति जागरण का कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम हम कर सकते हैं और उसके नाते से इकट्ठे होकर वहीं पर अपने को वह काम करना है और उस प्रतिष्ठान उसके साथ जुड़ना है। लोग वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। ये महिलाएं आप देखिए, आप लोगों ने भी निमंत्रण दिया है, ये पीले चावल, पीले चावल है, ये हम घर जा जाके सबको बांटेंगे। 500 साल के अथक प्रयास के बाद आज ये झूठ देखने को मिला। निमंत्रण घर घर तक के बाप देने जाके देंगे हम, ये पीले चावल पत्र और राम जी का चित्र हम सबको देंगे। और हम अपील भी करेंगे 22 जनवरी को बिल्कुल दिवाली के जैसे अपने घर को सजाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, आतिशबाजी करें। छोटी काशी से घर घर तक के निमंत्रण जाने वाला है और इस निमंत्रण पत्र को देने के लिए तैयारी भी है, अक्षत ले लिया है, निमंत्रण गणेश जी को दे दिया है, अब घर घर तक के जाने की तैयारी है। बिल्कुल, 1 तारीख से आज से ही लेकर और 7 तारीख तक हर घर में जाकर पीले चावल, ये प्रभु श्री राम का चित्र और पत्रक, ऐसा प्रत्येक पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह जाकर अपने कार्यकर्ता हिंदू समाज को साथ देकर ये पत्रक देने वाले हैं और बड़ी धूमधाम से 22 तारीख को इस बार दिवाली मनाने वाले हैं। आप सबको भी मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है, आप सब भी आइए और एक साथ 22 तारीख को एक साथ दिवाली मनाएं। जय श्री राम। बेहद हर्ष का विषय है और इस हर्ष के देखने के लिए देखिए आप, यहाँ पर बैंड बाजे के साथ तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हैं ताकि इस निमंत्रण को घर घर तक के पहुंचाया जा सके, मंदिर के वैभव को देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आ सके और जयपुर में इस निमंत्रण को देने के लिए बैंड बाजे के साथ हर कोई कार्यकर्ता पीले चावल लेकर घर घर तक जाएगा और सभी को निमंत्रण देगा और इस निमंत्रण की शुरुआत जयपुर के इस आराध्य श्री गणेश मंदिर मोती डूंगरी से हो चुकी है।